अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनर। आज जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी है कि ईसीयू रिपेयरिंग की क्लास 2 है, जैसे कि तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ सिंबल्स बताए थे, तो आज कुछ बाकी थे तो मैंने क्लास 2 में बता दिया। हालांकि एक वीडियो में ही ये कवर हो सकते थे, लेकिन इसलिए वीडियो कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी होती है, लोग ज्यादा देखते नहीं, लोग पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने दो वीडियो बनाई है। तो आज मैं लास्ट डे है सिंबल्स का, तो मैं आज सिंबल्स कवर करूंगा। सिंबल्स के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट इन सिंबल्स के बारे में थ्योरी थोड़ी सी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद सीधा प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दोस्त बाप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आप ऐसे करें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देखें, या फॉर एग्जाम्पल इसके सिंबल्स याद कर लें, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप इस सिंबल को याद करने के बाद वीडियो जब फिनिश होगी, खत्म होगी, तो उसके बाद लास्ट में मैं उसका लगा दूंगा, पिछली वीडियो का लगा दूंगा स्क्रीन, तो उस पर क्लिक करके तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपके सामने शो होगी, तो उसमें सारी वीडियोस मैं इसी रिपेयरिंग के लगा दूंगा। तो दूसरे नंबर पे जो भी बंदा वीडियो देख रहा है प्लीज लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि मिलता हमें कुछ नहीं है, लाइक करने से फायदा यह है हमें होता है कि हौसला अफजाई होती है कि हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, आप लोगों को पसंद आई है। उसके बाद आप कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे करें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भाई, ज्यादातर लोग मशवरे देते हैं, जो अगर पाकिस्तान में, मैं सियालकोट में रहता हूं, अगर कोई भाई इसमें ऐड होके खुद कुछ आप लोगों को बताना चाहता है, तो आप वीडियो की शक्ल में मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगा। अगर कोई आके मेरे साथ आके ट्रेनिंग देने के लिए, आप लोगों को नॉलेज फराहम करने के लिए अगर कोई मेरा हेल्प करना चाहता है, तो मैं हाजिर हूं। आप आ जाए मुझसे, मेरे साथ मिलके मुझे बता दे कैसी वीडियो होनी चाहिए, आगे कोई बताए तो सही ना कि इस तरह की वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। कोई भी आना चाहता है तो मैं मोस्ट वेलकम। उसके बाद सियालकोट एरिया में जो चीज, मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि सियालकोट एरिया में अगर किसी भाई की वर्कशॉप है, तो मैं कुछ चीजें शूट करना चाहता हूं उधर आप लोगों के सामने, मतलब आप लोगों को बताने के लिए कुछ वीडियो शूट करना चाहता हूं काम के मुताबिक। अगर ये आपके नजदीक रहता है सियालकोट एरिया में, तो आप मुझे अपना मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं इंशाल्लाह उसकी उसको नॉलेज भी फराहम हो जाएगा क्योंकि उसके सामने शूट होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान में हूं, मेरी वर्कशॉप क्लोज है, मैं सऊदी अरेबिया में नहीं हूं, तो इसलिए कुछ डिले हो रहा है। तो ये टॉपिक की तरफ, पिछली वीडियो में हमने चीजें देखी थी, तो उससे ही कुछ मिलते जुलते ये कुछ बाकी थे। ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर और रेजिस्टेंस एक ही चीज है। रेजिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है, इसका नाम ऐसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन इसको रजिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। रजिस्टर और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये अक्सर उगात हम बहुत ज्यादा इश्यू में यही खराब होते हैं, तो इसका सिंपल आप देख लें, ये आप उसका सिंबल देख लें, ये चीजें हैं उसका सिंबल, ये दोनों, ये किसी जगह पे ये लिखा होगा, किसी जगह पे ये लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद क्वाइल का सिंबल, ये क्वाइल का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद डायवर्ट, जो जीनर डायवर्ट का मैंने बोला था, जीनर डायवर्ट का जो मैंने बोला था कि जीनर डायवर्ट, सॉरी मैंने जीनर लिख दिया, जीनर, जीनर डायवर्ट, जैसे कि आपने दूसरा देखा था सिंपल डायवर्ट में क्या होता है कि ये दोनों लाइनें नहीं होती, वो सीधा होता है, तो ये जीनर डायवर्ट है, ठीक है। इसके सिंबल्स जीनर डायवर्ट है। पहले के जबकि मैंने ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी फेस कैम की वीडियो बनाई थी, अपनी वीडियो बना के आपसे शेयर किया था कि ये हमें सिंबल्स क्यों जरूरी है। सिंबल इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें बाद में ऐसी चीजें बता दूंगा जो ऐसी चीजें आपको बता दूंगा जिसमें सिंबल्स के आपको क्या फायदा होगा, आपको वो डायग्राम पढ़ने में आसानी होगी, आपको पता चलता जाएगा कि ये यहाँ ये जो चीज लगी हुई इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आपको वो कैसे पता चलेगा, हम वायरिंग में भी समझेंगे। उसके बाद ये स्विच है, ये स्विच है, ये ऑफ पोजिशन में स्विच है, ऑफ पोजिशन में स्विच होगा, ऑन पोजिशन में इसके दोनों के अलग अलग सिंबल्स हैं। उसके बाद ये फ्यूज है, फ्यूज का ऐसा भी सिंबल हो सकता है, ऐसा भी सिंबल हो सकता है, क्रिस्टल का ऐसा भी सिंबल हो सकता है, ऐसा सिंबल हो सकता है, आईसी का, ये आईसी का सिंबल है, चाहे मतलब 32 उसके पिन हो, 18 पिन हो, कोई कितने भी पिन हो, तो ये इस तरह का आईसी
का सिंबल है। फिर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सिंबल आपको पढ़ने इसलिए जरूरी है कि आपको मैं कुछ वायरिंग डायग्राम कुछ ऐसी चीजें ऐसी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप क्या करेंगे, आपको इश्यू के पूरे हर चीज के बारे में इन्हीं चीजों की मदद से आपको पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कम से कम मैं एम करता हूँ 500 लाइक का, ठीक है? तो प्लीज 500 लाइक कम से कम होने चाहिए। जो भी 500 लोग देख रहे हैं तो उसको प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होंगे।